से। आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत क्या रिश्वत लेने वाला गलत, ये सवाल था आपका? जी सर। दोनों? जी सर दोनों गलत, लेने वाला भी गलत देने वाला भी गलत। बहुत मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना काम नहीं होता। छोड़ दो काम को, आमतौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके, तो कुछ रिश्वत जायज है। कुछ मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, ये हर टाइम मुझे फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थे, कुरान थी, तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है टिकट। उस टाइम तो कोई जाकिर नायक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाल्लाह जाऊंगा तो सब पैसा नहीं है, उस टाइम कोई जानता ही नहीं था। टिकट ये क्या है, वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला, भाई साहब। जी सर। कूली ने बोला, भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है, तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया। महीने महीने दावती काम शुरू किया, बाहर निकले वो, उसने कहा वो टिकट कलेक्टर ने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वालों कितना पैसा दिए, 100 रुपया दिए ना? नहीं दिया। कितना दिए? नहीं दिया। झूठ क्यों बोलता है? उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा, इतनी रिश्वत है यहाँ, आप समझे? वो तो मुझे जानता ही नहीं था, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं, बराबर ना? कितना पैसा दिया? नहीं दिया। कितना दिया? बोलो ना साहब। 200 रुपया दिया? नहीं दिया। बोलो ना साहब। झूठ क्यों बोलते हैं? मुझे झूठ बोलते हैं। अने सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है, समझे? अपना मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना? मुझे गलत फहमी है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है, माशाल्लाह मुझे तो रिश्वत देता ही नहीं। लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं, आप रिश्वत देते तो आप गुनेगार नहीं, लेने वाला गुनेगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके ऐसे, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनेगार, क्योंकि मेरी गलती है, आप समझे ना? जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवरवेट क्यों लेके गए आप? क्यों लेके गए? अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआईए के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीईओ, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना? बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे पीआई, पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नायक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हूं स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे, मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं, इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज ये कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये कहता हूं मैं,